देखिए, ये पहली बार हमको ध्यान में आ रहा है जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति चल रही है और विशेष रूप से उद्धव ठाकरे जी जो अपने आप को पहले हिंदुत्ववादी कहते थे वो जिस प्रकार का तुष्टीकरण कर रहे हैं ये बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए, एक समय था हमारे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी अपने भाषण की शुरुआत करते थे, मेरे तमाम हिंदू बहनों भाइयों और माताओं। उद्धव ठाकरे जी भी उसी प्रकार से शुरुआत करते थे, इंडी गठबंधन की पहली सभा में सारे नेताओं ने कहा हिंदू शब्द छोड़ दो, उन्होंने हिंदू शब्द छोड़ दिया, वो हिंदू शब्द का उच्चारण नहीं करते। उसके बाद तुष्टिकरण की नीति यहां तक पहुंच गई कि अब उनकी रैलियों में अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं और टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उससे आगे ये लोग बढ़ गए, उनकी रैली में मुंबई बम कांड का आरोपी ये उनका स्टार प्रचारक बनता है। और हद तो वो हो जाती है कि जब उद्धव ठाकरे जी की रैली में पाकिस्तान के झंडे नचाए जाते हैं तो ये तुष्टीकरण की नीति बिल्कुल चल रही है। और अब जिस वीडियो की आपने बात कही, वोट जिहाद की बात की जा रही है, वोट जिहाद, और बकायदा तंजीम को बुलाकर और उनके सामने कहा जा रहा है जो मोदी को हरा सकता है उसको वोट दो, आप उस व्यक्ति की पार्टी मत देखो, वो मुस्लिम नहीं भी हो और सामने मुस्लिम उम्मीदवार हो तब भी उसको वोट दो क्योंकि मोदी को हराना ये हमारी प्राथमिकता है।